में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को अनंतनाग मुठभेड़ को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। पाकिस्तान समर्थित आतंकी हमलों के बीच अहमदाबाद में भारत पाक क्रिकेट मैच के लिए दी गई अनुमति पर भी उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पूछा, मेरा PM से सवाल है कि पुलवामा हमले के समय उन्होंने जो गुस्सा दिखाया था वह कहाँ है। उन्होंने आगे कहा, आतंकी भारतीय सैनिकों के जीवन के साथ खेल खेल रहे हैं, हमारे बीच गोलियों का क्रिकेट मैच चल रहा है, लोग शहीद हो रहे हैं, क्रिकेट मैच खेलने से पहले इस खेल को खत्म करने की जरूरत है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर अनंतनाग जिले के कोकेरनाग इलाके में गडोले के वन क्षेत्र में छिपे हुए आतंकवादियों के खिलाफ आज अभियान फिर से शुरू किया। ऑपरेशन लगातार चौथे दिन भी जारी है। अधिकारियों के अनुसार माना जाता है कि 2-3 आतंकवादी अनंतनाग जिले के पहाड़ी इलाके में छिपे हुए हैं। अनंतनाग मुठभेड़ पर ओवैसी ने कहा, मेरा PM से सवाल है कि पुलवामा हमले के समय उन्होंने जो गुस्सा दिखाया था वह कहाँ है। हमारे जवानों की जान चली गई और हम अहमदाबाद में क्रिकेट खेल रहे हैं, ये सरकार की विफलता है। आपने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से सब कुछ हल हो गया है। वहीं हैदराबाद में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर ओवैसी ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल जो चाहे वह कर सकता है। KCR 9.5 साल तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे, तेलंगाना कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, विकास हुआ है और इसकी GDP सबसे ज्यादा है, इसका सामाजिक कल्याण बजट सबसे ज्यादा है। मुझे एक कांग्रेस शासित राज्य दिखाओ जहां मुस्लिम छात्रों को कक्षा 6 से 12 तक मुफ्त शिक्षा मिलती हो। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।